निराला टीम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और दोस्तों खबर है यमुनानगर से, जहां पर CIA 1 यमुनानगर की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसके पास अवैध हथियारों का एक जखीरा था। आपको बता दें दोस्तों, गढ़ी रोड हमीदा नज़दीक पावर हाउस के पास से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की टीम ने गढ़ी रोड पर नाका लगाकर सफ़ेद रंग की कार XUV 300 सहित उस युवक को काबू किया है जिसके पास से काफ़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। 30 बोर के जिंदा कारतूस सहित एक लोडेड अवैध पिस्टल बरामद हुआ है। टीम ने पूछताछ करते हुए जब गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी में आगे वाली सीट पर रखे हुए बैग में से 3 अवैध पिस्टल मैगजीन सहित एक अवैध मस्कट गन 12 बोर, 15 जिंदा रौंद 12 बोर, 4 जिंदा रौंद 12 बोर व 6 अतिरिक्त मैगजीन बरामद हुई है। तो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो यहां पर प्रदर्शित भी किया गया है CIA की तरफ से। तो चलिए क्या कुछ बताया है CIA के अधिकारियों ने। पीछे कर लो सर, पीछे खड़ा कर लो। ये हमारे CIA 1 यमुनानगर की टीम ने पुलिस अधीक्षक महोदय यमुनानगर के आदेशानुसार और पुलिस अधीक्षक महोदय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय उनके दिशा निर्देशन में एक बड़ी कामयाबी CIA 1 की टीम ने हासिल की है। कल हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि काफ़ी समय से जिला में जो अवैध हथियारों की तस्करी और खरीद फरोख्त हो रही है उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट लीड हमारे पास आई थी। पहले भी हमने कार्रवाई की है तो कल उसी के संदर्भ में एक टीम हमने बनाई अपनी पूरी CIA 1 की, और सूचना मिली थी कि एक लड़का है जो गुलाम मुस्तफ़ा नाम का है, गुलाम मुस्तफ़ा डार, ये हमीदा का रहने वाला पुराना हमीदा, और ये इसका एक अन्य साथी और है जो अन्य केसों में वांटेड भी है। उन सभी के साथ मिलकर ये अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, UP से लेकर आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। तो कल ये अपनी गाड़ी में अवैध हथियार लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, ये हमीदा की तरफ। तो गढ़ी मोड़ के पास जो हमने पुलिस नाका लगवाया अपनी टीम के द्वारा, पावर हाउस के पास है हमीदा रोड पर, तो नाका लगाकर जब एक रोके गए पुख्ता सूचना के आधार पर एक गाड़ी XUV 300 वाइट कलर की थी जिसकी हमें सूचना थी, उस गाड़ी को जब रोका गया तो ये लड़का जो गुलाम मुस्तफ़ा नाम का था उसमें था। गाड़ी से उतार कर जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से एक पिस्टल मिला था जो 30 बोर का था, लोडेड पिस्टल था। और जब उस पिस्टल की बरामदगी करके इससे पूछताछ की गई और चेक किया गया तो पूछताछ के दौरान पता लगा कि अवैध हथियारों की तस्करी में यह संलिप्त है और सूचना पुख्ता थी। गाड़ी में आगे की जो सीट थी उस पर एक बैग और रखा हुआ मिला जिसमें बैग की जब तलाशी ली गई इसी की मौजूदगी में पूछताछ के बाद, तो उसमें से 3 पिस्टल और निकली और उसके अलावा एक जो शॉट गन भी हम कह देते हैं, सिंगल बैरल की मस्कट गन भी बोल सकते हैं 12 बोर की, एक और मिली। तो इस प्रकार कुल 4 पिस्टल और एक अवैध जो मस्कट गन मिली थी। इसके अलावा इसमें 12 बोर के कारतूस 4 थे और .30 बोर का एक कारतूस था, और 15 जो कारतूस थे 32 बोर के अलग से वो बरामद किए। इसके अलावा जो 6 मैगजीन एक्स्ट्रा थी, इसकी पिस्टल थी जो सभी में उसमें मैगजीन थी, इसके अलावा भी 6 मैगजीन एक्स्ट्रा इनके साथ जो मिली। इस प्रकार जो भारी हथियारों का जखीरा आप कह सकते हैं कि भाई जो ये बेचने के लिए ही रखते थे, और पूछताछ में पता चला कि भी ये इसका एक अन्य साथी और हमीदा का ही निवासी है, ये खरीद कर यूपी से लाते थे और यहाँ उनको मुनाफे में बेच देते थे। अभी CIA 1 की टीम इस पर कार्रवाई कर रही है, आज इसको पेश किया जाएगा माननीय अदालत में और इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा ताकि अन्य साथियों को गिरफ्तार किया जा सके। और इसमें जो भी सोर्स रहा है, जिसकी जो भी भागीदारी रही है, या इन्होंने पहले भी जिनको पिस्टलें बेची उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। पहले भी इसके ऊपर कोई केस है? इसका जो अभी तक हमने गुलाम मुस्तफ़ा का रिकॉर्ड चेक किया है, इस पर लड़ाई झगड़ा का एक केस है, लेकिन जो इसका एक अन्य साथी है जो वहीं का रहने वाला है उस पर काफ़ी संगीन धाराओं के पहले से ही केस दर्ज है। अब से कर करीब जो अभी तक पूछताछ में आया है 7-8 महीने से ये इस मामले में संलिप्त हुआ है,
और अन्य साथियों का जो उनसे पकड़कर पूछताछ की जाएगी, वो कब से इस अवैध कारोबार को चला है। तो सर किसी गैंग से भी संबंधित है ये? अभी तक कोई ऐसी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है पूछताछ के दौरान कि ये किसी गैंग से जुड़े हुए हों। ये गुप्त रूप से अपना ही ये हथियारों की तस्करी करते थे। किसी कैसे का नाम सामने आया सर जिसमें कि पता लग सका है कि किसको सप्लाई करता था? वो अभी देखिए जांच का विषय है और इसको हम थोड़ा सा अभी सीक्रेट तौर पर रख के चल रहे हैं, क्योंकि उनको पकड़ा जाना है तो संभावना है कि फिर वो इधर उधर गायब हो जाते हैं या जो अवैध हथियार हैं उनको वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो इसके बारे में अभी जाँच चल रही है।